नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, टीम के द्वारा राजकीय प्रवक्ता जो जीआईसी की आपकी यूपीपीएससी के द्वारा वैकेंसी आई है उसको लेकर के जीएस का बैच शुरुआत किया गया है। उसी जीएस के बैच के जो है संज्ञान में मैं आज आप सभी के सामने भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान का डेमो लेक्चर लेकर आया हूं। और आज हम बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली भविष्य जितनी भी विगत वर्षों की परीक्षाएं रही हैं उनके संदर्भ को देखते हुए टीम आपसे इस पूरे बैच का बहुत अच्छी तरीके से एक मार्गदर्शक दिशा में संचालित कर रही है। इस बैच में आप सभी को एडमिशन लेने के लिए आज मैं यह डेमो बैच के तौर पर आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि टीम के द्वारा जो आपको हर एक विषय की जो जीएस का आपका संभाग है, जीएस के संभाग में हर एक विषय को लेकर के कौन सी फैकल्टी आपकी किस तरीके से व्याख्यान उपलब्ध कराएगी, उन सारी चीजों के बारे में हम आपसे पर चर्चा करेंगे। तो आज मेरा विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के जो है विषय को लेकर के मैं आप सभी के समक्ष एक बार लाइव हूं जो है उपस्थित हूं। तो चलिए परिचर्चा शुरुआत करते हैं और इस परिचर्चा में हम तमाम चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि आपके जो इसमें जीएस के अंतर्गत 40 प्रश्न जो है प्रश्न आने हैं, टोटल आपके 120 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन जीएस में जो आपका इस बार का रोल बढ़ा है क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा हो चुकी है, इसलिए प्री निकालने में जीएस की यानी जो अभी महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है जीएस, इसीलिए आप सभी को जीएस पर अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी। और उसके लिए टीम के द्वारा यह जो बैच शुरू किया गया है, यह बैच आपके इस जो है ठीक है क्षेत्र में जीएस के क्षेत्र में आपका बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। इसी के साथ मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे यहीं पर चर्चा करना चाहूंगा कि जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा आप सारे लोग जानते हैं, आपको इसमें या आपके बहुविकल्पीय होगी, ठीक है बहुविकल्पीय आनी है, इसको सारे लोग जानते हैं, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगी और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। 120 प्रश्न कुल आने हैं जिसमें से 40 प्रश्न आपके जीएस संभाग से हैं और ये आपकी लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली है। तो लोक सेवा आयोग अब पहले वाला लोक सेवा आयोग नहीं रहा है, विगत कुछ वर्षों से अगर आप देखेंगे हालिया 2-3 सालों से तो इसके जो प्रश्नों की पूछने की प्रकृति रही है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। अब चीजें आपकी कहीं ना कहीं विषय के समझ को लेते हुए प्रश्नों की प्रकृति हमें देखने को मिल रही है, यानी किसी भी प्रश्न को अगर आयोग आपसे पूछ रहा है आपके प्रश्न पत्र में तो वहां पर आपको यह देखने को जरूर मिलेगा कि प्रश्न में जो आपसे आयोग पूछना चाह रहा है वह विषय की समझ को लेकर के सवाल करता है। इसीलिए हमें सबसे जरूरी जो मूल मंत्र होता है जो मैं हर एक आपके कोर्स के प्रारंभ होने पर चाहे ऑफलाइन बैच रहा हो या ऑनलाइन बैच रहा हो उसमें जो दो बातें मैं सभी के लिए बोलता हूं वह आपके लिए भी कहूंगा कि किसी भी जो है आपके परीक्षा में जब आप प्रतिभागी के तौर पर वहां इनरोल करते हैं खुद को तो सबसे पहले दो कदम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और वह दो कदम आपके यही होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी में आपके लिए दो मूल मंत्र हैं। यह सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि या केवल आपके जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये आप सभी के लिए सबसे पहली चीज है। ठीक है, ये आप पर उचित लगता है आपको तो मानिए, हालांकि मैं ऐसी बातें कोई नहीं बोल रहा हूं जो आपको अनुचित लगेगी। सबसे पहली चीज होती है कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी में सबसे पहले चीज होनी चाहिए कि आपके सामने पाठ्यक्रम का आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम का ज्ञान आपके आपको बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए और मेरा आपको यही सुझाव है कि आपका जो पाठ्यक्रम है आप जहां पढ़ते हैं वहां पर आपके सामने दिखना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें पांव कहां तक फैलानी है चादर में, नहीं तो ये तो जीएस है, जीएस में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ऐसे ही लहरों में उमड़ते रह जाएंगे। इसीलिए जीएस में आपको सबसे पहली चीज होनी चाहिए पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। दूसरा मूल मंत्र आपका ये है आप सभी के लिए मेरे द्वारा, वो ये है कि सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण बात बनती है आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। जितने भी उस संस्था के द्वारा विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, विगत वर्षों की परीक्षाएं हैं, उनका अवलोकन आपको यह बताएगा कि हमें पांव कहां तक पसारनी है। तो दो बातों पर आपको अच्छी लगती हैं तो इन दोनों को जरूर फॉलो करिएगा। अब मैं आता हूं आपसे मुख्य पर चर्चा पर। तो ध्यान दीजिए, पहला जो आपका होना है प्रीलिम्स आपका होना है, क्वालिफाइंग है, मुख्य परीक्षा से ही आपके क्या होने हैं, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन है। अभी तक इसमें स्क्रीनिंग होती थी और उसके बाद इंटरव्यू होता था फिर सिलेक्शन होता था, लेकिन अब आप में क्या है, अब आपसे लोक सेवा आयोग से यह परीक्षा आयोजित होनी है।
तो जो आपकी संस्था है, संस्था आपसे ज्ञान का ज्ञान के लिए अच्छे खासे आपको तार्किक सवाल देगी और उनके उत्तर देने के उपरांत ही इस परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। तो यहां पर अगर बात किया जाए कि जो 40 प्रश्नों का आपका जीएस का रोल होता है, इसकी महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 120 कुल आने हैं, 80 प्रश्न आपकी जो मुख्य परीक्षा में आपका जो वैकल्पिक विषय होगा, आप हिंदी के लिए कर रहे हैं, आप अंग्रेजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गणित के लिए कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा है वो तो है ही है, मतलब वैकल्पिक विषय है, लेकिन इसमें कुल 120 प्रश्नों में 40 प्रश्न सभी को पढ़ना है, सभी के लिए अनिवार्य है। तो चूंकि संस्था में हम इससे पहले भी लोक सेवा आयोग को लेकर के ही बैच चलाते थे, ऑफलाइन हमारा संस्थान था लखनऊ में, ठीक है, वो अब आप सभी को मैं कोविड के बाद से ये सारी संस्थान, चूंकि आप समझ रहे हैं समस्याओं को, तो ऑनलाइन बैच का प्रारंभ किया गया है, उसी के चक्कर में, ठीक है, 40 प्रश्नों को लेकर के टीम आपके सामने जीएस का अलग बैच चला रही, और जो आपके विषय वाले हैं ये बैच आपको जिनके जिनसे मुख्य परीक्षा में आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ठीक है, लिखने को लेकर सवाल आएंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में जिनसे 80 सवाल बहुविकल्पीय में शामिल होंगे उनको लेकर के टीम आपको बाद में सूचित करेगी, उसका अलग से पूरा बैच होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा है आपका कि अगर आप मान लीजिए इससे जोड़ना चाह रहे हैं तो टीम के द्वारा जो प्रोग्राम चला जा रहा आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इसमें बात किया जाए कि आप में क्या क्या पाठ्यक्रम दिया हुआ है, तो यूपीपीएससी का जो पाठ्यक्रम इसका अन्य विषयों का जो है परीक्षाओं का रहता है वही है, मतलब आपको विषय पर पकड़ बनाना 40 प्रश्नों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, और इस संदर्भ में एक लक्षित सारी दिशा के साथ टीम आपके साथ हमेशा बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है। इसमें बात किया जाए तो सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में है, दूसरा है भारत का इतिहास, तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, चौथा है भारतीय राजतंत्र जिस पर हमें परिचर्चा करनी है, राजतंत्र यहां शब्दों को समझिएगा तो राजतंत्र के अंतर्गत हमारी चीजें आती हैं, राजव्यवस्था, ठीक है, भारतीय राजव्यवस्था कैसी है, राजव्यवस्था के संदर्भ की बात किया जाए तो राजव्यवस्था में आपका चूंकि भारतीय संविधान में राजव्यवस्था के संपूर्ण उल्लेख है, राज्य संविधान ही राजव्यवस्था को तमाम जो संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं को शक्ति देता है, तो हमें भारतीय संविधान में जो राजव्यवस्था के बारे में उल्लेख है उसके बारे में बहुत ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर पॉलिटी की बात किया जाए तो इससे 40 प्रश्न में इसकी अनिवार्यता, चूंकि यह जो आपका विषय है इस विषय में राजनीति हमारी बाल जीवन घुट्टी है, ठीक है, हम जब से पैदा होते उत्तर प्रदेश वाले खासकर विद्यार्थी तो राजनीति बाल जीवन घुट्टी की तरीके से घरों से लेकर के, ठीक है, हमारी जो बैठक होती है वहां भी राजनीति, यार मित्र होते हैं वहां भी, जीवन के हर जगह पर राजनीति, इसीलिए यहां पर जो आपकी ये राजनीति है ये थोड़ा सा हटके है। भारतीय संविधान की बात करेंगे, देश कैसे चलता है, संस्थान कैसे चलते हैं, क्या उनकी शक्तियां होती हैं, क्या कार्य होते हैं, इन सबसे संबंधित बातों को करना है, हमें पढ़ना है, तो यहां राजतंत्र में हम भारतीय राजव्यवस्था को पढ़ेंगे, राजव्यवस्था को कौन कौन से अधिकार दिए गए, कार्य क्या किए उनको करने हैं, ये सारी चीजें किन किन आपके अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं, उन सारे प्रावधानों को पढ़ेंगे, उन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, और इसमें 40 प्रश्नों में अगर हम राजतंत्र की अनिवार्यता को देखें, महत्व को देखें, तो 40 प्रश्न में जो अनुमान है लगभग, ठीक है, चूंकि इसमें अभी क्या हो रहा है, हालिया जो आपका लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उनमें अब समसामयिक घटनाओं का जो रोल है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके बाद आपकी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं कोर सब्जेक्ट में कहां से सवाल सबसे ज्यादा बनेंगे, तो उनमें से एक आपकी भारतीय राजव्यवस्था भी है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रख लें। छोटा सा सिलेबस है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, और इसको हम आसानी से करके इसमें जितने मार्क्स हमें लाने हैं, जितने प्रश्न मिलने चाहिए, उन सारे प्रश्नों को हम बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। उसके लिए मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता चलूंगा, जिस अनुसार मैं आपको सारी चीजें बताता चलूंगा, उस अनुसार आप सारी चीजों का अनुसरण करते चलिए, इसमें से आने वाले जितने भी आपके प्रश्न हैं मेरा प्रयास यही होगा कि उन सारे प्रश्नों का आप सही उत्तर वहां देंगे। तो अगर इसमें से 40 प्रश्नों में इसकी उपयोगिता की मैं बात करूं कि 40 प्रश्नों में क्या एक अनुमान होता है, क्योंकि किसी भी जो विषय होती है, विषय जो परीक्षा में हमसे पूछा जा रहा, तो प्रश्नों की संख्या के आधार पर ही उसकी महत्वपूर्णता बढ़ती है, उसकी महत्वता, तो हम वहीं से तय करते हैं कि प्रश्नों की जो आपकी संख्या है ये कितने ज्यादा प्रश्न वहां पर आ रहे हैं, हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि नहीं है, इसी अनुसार हम पढ़ाई करते हैं, उसी अनुसार हमें लक्ष्य भी अपना देना चाहिए, क्योंकि रणनीति परीक्षा की तैयारी में रणनीति का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। यह जीएस है, मैंने पहले ही शब्द का इस्तेमाल किया, यह सागर है, इस सागर में उतर गए तो इसमें तो भटकते रहिए लोक सेवा आयोग में खासकर, ठीक है, इतना
आपका जो है बृहद सिलेबस है पाठ्यक्रम में कि इसमें तो हम तैरते उतराते रहे, लेकिन हमें जीवन की नैया को तो एक जगह लाना है, 4 से 5 महीने में सब कुछ कवर करना है और हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो अंकों का अर्जन बेहतर कैसे हो, उसके लिए सबसे पहले आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। मैं यहां पर 40 प्रश्नों में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अगर विषय वस्तु की बात करूं तो यहां से जो बनने वाले प्रश्न है 5 से 6 प्रश्न आपको आसानी से मिल सकते हैं। 5 से 6 प्रश्न आपको यहां से मिलने की संभावना है, ये एक अनुमान है। पहली बार चूंकि इस तरीके से परीक्षा हो रही है तो इसमें आपको लेकर उपापोह की स्थिति नहीं बननी चाहिए कि नहीं सर इसमें 10 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है, ऐसी चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो आपके 40 प्रश्नों में इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है वो प्रश्नों की 5 से 7 भी हो सकती है, 8 सवाल भी हो सकते हैं, ये लोक सेवा आयोग पर डिपेंड करता है कि वह कितने रखेगा। इन्हीं पर हमें परिचर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपके सामने यहां भारतीय राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और आप 2019 की 20 की जो प्रीलिम्स परीक्षाएं हुई हैं, अभी 20 में आपकी आरओ की सबसे लेटेस्ट परीक्षा हुई है, ठीक है, बीओ का मेंस हुआ है, अपकमिंग आपका जो है मेंस लगा हुआ है, डेट उसकी भी आ चुकी है। इन सारी चीजों को आप जब देखेंगे तो आपको सबसे, इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला कि विगत वर्षों का प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो चीजें आपको कहां मिल सकती हैं, आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए इसमें जितने भी विषय हैं, क्योंकि वह आपका इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। उसके बाद सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता है, रीजनिंग जिसको आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, इन सभी की भी कक्षाएं आपकी प्रारंभ कर दी गई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो रोल होता है, आप बीओ की परीक्षा देखिए और आरओ की परीक्षा देखिए, दोनों परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का रोल बहुत ज्यादा होता है, प्रश्नों की संख्या जो है इससे अच्छी खासी पूछी गई। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का भी आपको डेमो लेक्चर उपलब्ध हो चुका होगा, ठीक है, आप वहां देख सकते हैं। और प्रारंभिक गणित भी आनी है, इसके लिए भी आपको जल्द ही जो है जो फैकल्टी है उनके द्वारा आपको जो है इस विषय के संदर्भ में भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण, ये आपका इतना 40 प्रश्नों का यहीं से विभाजन होगा, ठीक है, विषयों को लेकर के, और यहीं से आयोग आपसे सवाल देगा। तो चलिए आज मैं अगर इसमें से अब हम बात करते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से आपके ऐसे चैप्टर होते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कहां से सवाल बनते हैं, उन पर एक नजर मैं अगर आपसे डालूं कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं, तो ध्यान दीजिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत लोक सेवा आयोग में जो बनने वाले सवाल होते हैं, मैंने जो महत्वपूर्ण भाग है, ऐसा नहीं है कि यहां लिखा बहुत ज्यादा है तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, नहीं, बहुत पढ़ना है। मैंने पहले ही बताया बाल जीवन घुट्टी के तौर पर हमें पिलाया गया है राजनीति, और वही राजनीति हमें भारतीय जो राजनीति में देखने को मिलती है उन्हीं पर परिचर्चा है। यहां सबसे पहले संवैधानिक विकास का इतिहास, इससे भी प्रश्न आपके बनते रहे हैं, लोक सेवा आयोग इनसे पूछता रहा है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में, संविधान सभा, इसके चुनाव कब हुए, कार्यवाहियां क्या है, विभाजन के बाद संविधान सभा का क्या रोल रहा, समितियां कौन कौन सी रही, किस समिति का क्या कार्य रहा, यह तमाम चीजें के बारे में, संविधान के भाग, अनुसूची, स्रोत, क्योंकि यहां से मैचिंग के सवाल अधिकतर बन जाते हैं, ठीक है, पूछ लेगा निम्न में से कौन सुमेल नहीं है, या ऊपर दिए गए जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए, ये एक ऐसा बिंदु है, सबसे आसान सा बिंदु है, लेकिन यहां से सवाल हर बार बनते हैं। संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, ठीक है, भाग 7 तो निरसित है, उसके बाद 8 हो गया, 9, 9A, 9B, ठीक है, और 10, 11, उसके बाद 14, 15, 17, 18 और 20, ये इतने भाग आपके बनते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिगत काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं सारे भागों पर मैं आपको दैनिक रूप से लगातार यही प्रयास होगा कि लेक्चर्स हम अच्छे से उपलब्ध कराते रहें, और जो भी कक्षाएं यहां चलेंगी उनकी परिचर्चा बहुत विधिवत रहेगी, यानी जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे उस विषय की पूरी विषय वस्तु एकदम स्पष्ट हो जाएगी आपके सामने, ताकि परीक्षा को लेकर के जो आपकी तैयारी है वह एक दिशा में रहे, एक मार्गदर्शन में रहे और आप इस परीक्षा में सफल बने। तो उम्मीद है ये बातें मेरी समझ गए होंगे। आज मैं आपको डेमो के तौर पर जो पढ़ाना शुरू कर रहा हूं वो चीजें मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसी को हम लोग समझेंगे कि भारतीय जो संविधान ना जिसके बारे में हमें पढ़ना है, इस संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है, इसकी कार्यवाही क्या रही है, संविधान सभा भी इसमें हम पढ़ेंगे, संविधान सभा की समितियां पढ़ेंगे, संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ, कब से वर्किंग रही, क्या क्या चीजें रही, इन तमाम चीजों के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, परिचर्चा करूंगा। तो चलिए आज के बिंदु की हम शुरुआत करते हैं,
और आज का जो हमारा भाग है जिस पर हमें चर्चा करनी है वह आपका है भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारत का संविधान के निर्माण की क्या क्या प्रक्रिया रही, इन्हीं पर मैं आपसे परिचर्चा करता हूं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के आपके सबसे जो है डेमो लेक्चर की। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, लोक सेवा आयोग की परीक्षा के अगर दृष्टिगत इस बिंदु की बात करूं मैं आपसे, तो इसका रोल काफी महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि आपकी परीक्षा में, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठाएंगे तो वहां से आपको मिलेगा कि यह एक ऐसा बिंदु रहा है जिससे आपके सवाल लगभग लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया, भारतीय संविधान का बनना, भारतीय संविधान का निर्माण होना कोई एक दिन का खेल नहीं रहा है। पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा है। यह समय क्या 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ही कंप्लीट है? जी नहीं, भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया रही है यह प्रक्रिया हमारी अगर देखी जाए तो संविधान में, चूंकि हमें संवैधानिक विकास का इतिहास भी पढ़ना होता है और जब से भारत में अंग्रेज आए, चूंकि अंग्रेजों के आने से हमारे यहां राजतंत्र चलता था, राजतंत्र में उस समय अपने यहां मुस्लिम राजतंत्र थे, उससे पहले हमारे यहां हिंदू राजतंत्र हुआ करते थे, और जो हमारे धार्मिक किताबें हैं उस अनुरूप अपने यहां शासन चलता था। राजतंत्र में राजा को कभी परिभाषित नहीं करना पड़ा कि मैं जो न्याय कर रहा हूं यह न्याय उचित है। लेकिन जब विश्व में आधुनिकता आई, अंग्रेज जहां जहां कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक राज्य बनाते गए वहां पर वह समय के साथ कुछ परिवर्तन करते गए, वह शासन की व्यवस्था में लगातार सुधार करते गए, और भारत में जब 1600 में इनकी एंट्री होती है, इनका प्रवेश होता है, तो ये अपने शासन को चलाने के लिए जो है समय समय पर बहुत सारे प्रावधानों को लागू करते हैं, नए नए नियम और कायदों को लागू करते हैं, और यही नए जो इनके नियम और कायदे रहे यही भारतीय संविधान की रीढ़ बनते हैं। इन्हीं से भारत आगे भविष्य में जब आजादी भारत को मिली तो भारतीय संविधान के निर्माण में इन सारे नियमों को, इन सारे कानूनों को हमने तरजीह दी और उससे अपने संविधान का निर्माण किया, ताकि विश्व में हम आधुनिकता के इस दौर में एक भारत को भी हम एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर सके। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया रही बनाने की। यह प्रक्रिया मैंने पहले ही शब्द यूज किया कि यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो शब्द लिखा मिलता है उतने शब्दों का यह कोई खेल नहीं रहा है। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी भारतीय के भी दिमाग में कोई बीज उत्पन्न हुआ होगा, वहां से उसके विचार बढ़े होंगे, उसने विचार को कहीं रखा होगा, किसी पटल पर रखा होगा। जी हां, ऐसे तमाम उदाहरण आपको भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं जो हमारे संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं अपने सहयोग को बताते हैं। अगर भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो विश्व में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान जैसे निर्माण हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन किया, संविधान सभा का निर्माण किया, तो संविधान सभा का निर्माण किसी भी, जब देश कोई आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस देश ने जब अपने देश को चलाने के लिए कुछ कानूनों की रचना करनी चाहिए, कुछ जो है आपके नियमों का जो है संग्रह किया, तो उसने क्या किया, हमने विश्व में देखा कि विश्व में जितने जितने राष्ट्र हुए उन सारे लोगों ने अपने यहां एक सभा बनाई। उस सभा ने क्या किया, उस सभा ने कुछ कानून और जो है नियम बनाए, उनके आधार पर वो सारे देश क्या करने लगे, अपने यहां एक संविधान का निर्माण करने लगे। वो जो सभा रही वो सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी संविधान सभा कहलाई, और संविधान सभा से किसी देश के संविधान का निर्माण होना चाहिए, वो एक सभा बननी चाहिए। तो विश्व में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यह जो विचार रहा, सर हेनरी मेनन या सर हेनरी मेन, एक आपके नाम का जिक्र होता है, इन्होंने सबसे पहले यह आइडिया दिया था कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अगर स्वतंत्र हो रहा है और अपने आप को लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर रहा, तो उसके जो संविधान का निर्माण होना चाहिए वह एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया, सर हेनरी मेनन ने दिया। यह विश्व की बातें हो रही है। यह संविधान सभा का विचार दिया गया कि कोई भी अगर राष्ट्र या राज्य स्वतंत्र हो रहा है तो वो अगर संविधान का निर्माण कर रहा तो उसको अपने यहां एक संविधान सभा परमिट जो है का फॉर्मेशन करना चाहिए। संविधान सभा के इस फॉर्मेशन को, इनके इस आइडियोलॉजी के, इनके इस विचार को सबसे पहले किस देश ने व्यवहारिक रूप दिया, तो उसमें 2 देशों का नाम मिलता है। पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है फ्रांस। ये जो 2 आपके देश मिलते हैं, इन दोनों देशों ने अपन जब ये जो है स्वतंत्र होते हैं,
ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया, अपने यहां अपने आप को एक आदर्श राष्ट्र दिखाने के लिए इन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया था। उसके बाद भारत में अगर बात की जाए, भारत में भी संविधान के जो है सभा की या संविधान की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। लेकिन सबसे पहले आपको दृष्टि का मुद्दा है, लोक सेवा आयोग ने यहां से सवाल उठाया है कि भारतीय भारत में संविधान की मांग या संविधान के जो है झलक हमें कहां दिखाई पड़ती है। तो 1895 में एक अपने यहां स्वराज विधेयक आया था, इस विधेयक में आपको संविधान की झलक दिखाई देगी, यह सवाल लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। अब क्या 1895 के बाद ये चीजें बंद हो गई? तो आपको याद होगा इतिहास में 1916 में आप जब बात करेंगे तो 1916 में अपने यहां होम रूल आंदोलन चले थे, होम रूल स्वशासन, होम रूल क्या, स्थानीय स्वशासन जो आज भारतीय संविधान में ठीक है एक बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, पंचायती राज के तौर पर जिनको आप जानते हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, जहां से लोक सेवा आयोग अच्छे खासे सवाल भी करता है। तो 1916 में जब होम रूल की बात की गई, स्थानीय शासन की बात की गई, स्वशासन की बात की गई, तो वह भी कहीं ना कहीं एक नियम का कसौदा ही तो था, तो वही ना, ठीक है। तो 1916 में भी आपको यह देखने को मिलती है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी की बात करें तो गांधी जी का भी एक हमें स्टेटमेंट मिलता है कि भारतीयों के संविधान का निर्माण जो है भारतीयों के द्वारा होगा, हमारे संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होगा, यह भी स्टेटमेंट आपका 1922 में गांधी जी के द्वारा मिलता है। 1922 में इन्होंने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी इसका निर्माण जो किया जाएगा वो भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। 1934 में भी जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक आपको स्वराज्य पार्टी के बारे में, जिसका गठन रांची में हुआ था, इसने भी संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है, 1934 में भी आपको मिलेगा। यहां पार्टी की बात कर रहा है, वहां पर स्वराज विधेयक की बात कर रहा था, दोनों में अंतर है, स्वराज्य विधेयक, ठीक है। वामपंथी दल जैसे आप लोग पढ़ते हैं लेफ्टिस्ट, अपने यहां जैसे मार्क्सवादी दल के बारे में आप पढ़ते हैं, आगे आपको जो लोग पॉलिटिकल साइंस से होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आपको मार्क्सवादी विचारधारा सबसे पहले ही चैप्टर के तौर पर आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, वो चीजें वहां पर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां पर चीजें बात करें, अगर वामपंथी दल की बात करें तो अपने यहां वामपंथी दल की स्थापना करने वाले एमएन रॉय हैं, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इन्होंने भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किया था, इसको ध्यान रखिएगा, यह सवाल आपका लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम सब जो है किसने संविधान सभा के गठन की मांग की, तो इसमें एम एन राय का नाम आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस, उस समय चूंकि कांग्रेस का तो भैया बहुत पहले से फॉर्मेशन हो चुका था, 1885 की जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय की, तो कांग्रेस भी चूंकि एक पार्टी के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, ठीक है, इसमें लीडरशिप थी, कांग्रेस ने भी क्या किया, ऑफिशियल रूप से संविधान सभा के बारे में कभी स्टेटमेंट दी, ठीक है। वो स्टेटमेंट हमें कब मिलती है, वो स्टेटमेंट 1935 में हमें देखने को मिलती है, 1935 में देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। 1938 की बात है, कांग्रेस पार्टी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार जिसको आप एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर जानते हैं, इसके आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यह पंडित नेहरू का वक्तव्य रहा, किसको लेकर के, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को लेकर के। अब क्या होता है, यह तो 1938 की बातें हो गई, लेकिन आपको ध्यान होगा 1937 में अपने यहां चुनाव हुए थे, 11 प्रांत में अपने यहां चुनाव हुए थे, और 11 प्रांतों में 1937 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो फरवरी की बातें थी, फरवरी 1937 की बातें थी, 11 प्रांत में चुनाव होता है, और उसमें से 6 प्रांतों में क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, इसको बहुमत मिला था, 2 प्रांत में इसने गठबंधन किया था, तो 8 मंडलों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी 1937 वाले में। अपने यहां यूपी में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, जो है गोविंद बल्लभ पंत उस समय अपने पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बने थे, ठीक है, यह भी सवाल आपसे उत्तर प्रदेश में पूछता है, ठीक है। मद्रास हो गया, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई, यहां पर कांग्रेस ने अपने जो है सरकार बनाई थी, और ये संयुक्त प्रांत यानी यूपी में 228 सीटें उस समय थी, इसमें से 134 स्थानों पर कांग्रेस विजयी रही और कांग्रेस ने यहां सरकार भी बनाई थी, ठीक है। लेकिन क्या होता है 1937 का, जब इसने इलेक्शन जीता और सरकार बना ली, 28 माह के शासन के बाद ही कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अब ये जो इस्तीफा आया था, जिस दिन इसने इस्तीफा दिया उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया, ये लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका पूछा गया सवाल है,
ठीक है, लोक सेवा आयोग ने इसको पूछा है कि मुस्लिम लीग ने लोक मुक्ति दिवस के तौर पर किस दिन को मनाया, तो जिस दिन कांग्रेस ने अपने जो है आठों मंडलों से इस्तीफा दिया था उस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो शासन में थी नहीं, इसलिए इसने इसको मुक्ति दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया था। 8 अगस्त 1940 की बात है, 8 अगस्त 1940 की बात है, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, एक प्रस्ताव आया था जिस प्रस्ताव को चूंकि अगस्त की बात है, अगस्त में आया इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया गया, यहां से सवाल पूछता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार कब माना, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार अगस्त प्रस्ताव में माना था। हम भारतीय बोल तो रहे थे, हम स्थानीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, हम स्वराज मांग रहे थे, ठीक है, हम तमाम चीजें कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के कान पर जू नहीं रेंग रही थी। तो 1940 वाले में जब आपका क्या होता है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, तो इस प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने संविधान सभा का विचार माना, लेकिन इन्होंने क्या कहा, यह 8 अगस्त 1940 की बातें हैं। इससे पहले मैंने बताया कि 28 माह के बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था, क्यों, आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान है, अगर मैं आपसे बात करूं 1 सितंबर 1939 की, ठीक है, तो यह आपकी वह डेट है जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होता है, द्वितीय विश्व युद्ध इस समय शुरू हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार आपका प्रारंभ हुआ था, और अपने यहां क्या हुआ कि अपने यहां अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय शासन करे, प्रांतों में हमारी सरकार बन गई, कांग्रेस खुश थी क्योंकि उसकी सरकार बनी थी, लेकिन क्या हुआ जब 1 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने 3 सितंबर को ही भारत को युद्धरत घोषित कर दिया, और बिना किसी भारतीय नेता के से पूछे। अब भारतीय नेता तो भैया आप नेता भी बन जाएं और आपसे अंग्रेजी सरकार पूछ भी नहीं रही कि हम भारत को युद्धरत घोषित करें, आप तैयार हैं कि नहीं, ठीक, किसी दल से नहीं पूछा, उसने घोषित कर दिया। अब ये उसका विरोध जताने के लिए कांग्रेस ने सारे मंडलों से इस्तीफा दिया था, इसी का विरोध जताने के लिए। तो जब 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों ने क्या कहा कि हां ठीक है, आप अपने संविधान का निर्माण एक संविधान सभा से करेंगे, लेकिन अभी युद्ध चल रहे हैं, युद्ध समाप्ति के बाद ये सारी चीजें लागू होंगी। अब कांग्रेस उस समय जब अंग्रेज ऐसा कहते हैं कि संविधान सभा आप लागू करेंगे, ठीक है, आप संविधान सभा आपकी बनेगी, लेकिन हम युद्ध के बाद इसको लागू करेंगे, संविधान सभा को जो कुछ लेकर होगा। अब कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक क्या किया, यहीं पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया, ठीक है। तो यह भी सवाल पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस के द्वारा किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। 1940 की बातें ये मैं आपसे कर रहा हूं इस समय भी। अब 1940-1939 की बात अगर किया जाए तो 1939 में मैं इतिहास, चूंकि ये इतिहास का ही पूरा भाग है, इसीलिए दोनों चीजों को एक साथ आपको पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाए। 1939 में भी आप जानते हैं कि उस समय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, फिर गांधी जी से कुछ इनका मतभेद चल रहा था तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना 1939 में ही होती है। 1940 का ही यह दौर है जो कि आपके कई परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्नों को जन्म देता है, यहां से कई सवाल पूछे जाते हैं। आगे क्या होता है, यह 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत जो सत्याग्रह रहा कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव में शुरू किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम, यह कभी कभार पूछ लेता है पवनार आश्रम कहां पड़ता है, यह महाराष्ट्र में है, यहां से कांग्रेस ने इसको शुरू किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक है, और इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह रहा कांग्रेस का अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है, तो आपको इस बिंदु को भी ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन, यह सवाल आपका बहुत बार पूछा है, 1940 की बात है, मार्च में 1940 में आपका क्या हुआ था, मतलब इस अगस्त प्रस्ताव से पहले मुस्लिम लीग ने मार्च में क्या किया, जो लाहौर में कांग्रेस का एक तरीके से अधिवेशन था, इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि हमें दो अलग अलग राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव में सीधा सवाल पूछता है, मुस्लिम लीग ने दो अलग राष्ट्र की मांग कब की, तो 1940 में लाहौर के अधिवेशन में किया था। इस बात को आप बहुत अच्छे से स्पष्ट याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें 1940 तक तो यह हो गई, भारतीय इधर कह रहे थे कांग्रेस जो है क्या कर रही थी, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसी में 1941 को भी आपको ध्यान होगा, 1941 में वैश्विक राजनीति की अगर मैं आपसे बात करूं इस संदर्भ में, तो 1941 में ही एक चार्टर की घोषणा
अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा की गई थी अटलांटिक चार्टर के तौर पर, जिसे आप जानते हैं। अटलांटिक चार्टर में भी इन्होंने बहुत सारी चीजों की अलग अलग उल्लेख किया था, ठीक है। अटलांटिक चार्टर भी आया था, हालांकि उसका परिपेक्ष आपके संविधान के इतिहास से उससे सवाल नहीं पूछे गए, बस मैं आपको थोड़ा सा बिंदु वहां से जोड़ दिया हूं। उसके बाद क्या होता है, 40 के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना अपने यहां घटती है क्रिप्स मिशन को लेकर के, ठीक है। क्रिप्स मिशन, एक सदस्यीय आपका एक जो है कमीशन बनाया गया और यह भारत भेजा गया। इस समय युद्ध ही चल रहे हैं, 1945 तक की सारी चीजें चलती हैं। 1942 की बात है, क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया था। उस समय ब्रिटेन के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो थे विंस्टन जो है चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने एक सदस्यीय आपका क्या किया, मंडल भारत को भेजा, और इस मंडल की अगुवाई कौन कर रहे थे, क्रिप्स साहब कर रहे थे, इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन के तौर पर जाना जाता है। क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया। अब क्या हुआ, जो आपके गांधी जी हैं, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, क्रिप्स मिशन को कहा पोस्ट डेटेड चेक। यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहकर संबोधित किया था, तो गांधी जी ने कहा यह पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब यह चेक अब बैंक में नहीं चलेगा, तुम हमको अब समझा नहीं सकते हो, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। तो यह बात कब की रहती है, यह बात 1942 की रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, कहां पर, वर्धा में। यह सवाल आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव वर्धा से पारित किया जाता है, और वो किसमें, क्रिप्स मिशन आया था इस विरोध में, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत की गई, जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा, इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को, और इसी को हम कहते हैं अगस्त रेवल्यूशन, अगस्त क्रांति। तो एक तो अगस्त प्रस्ताव और दूसरा अगस्त क्रांति, इन दोनों में याद रखिएगा वो चीजें कब की हैं और ये चीजें कब की हैं। ये 1942 की बातें आपसे कर रहा है, अगस्त क्रांति, ठीक है। और इसी क्रांति को हम किस नाम से जानते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने इसे कहा पोस्ट डेटेड चेक। जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, एक ऐसा बैंक जो स्वयं से दिवालिया हो चुका है और उसका भी ऐसा चेक जो पोस्ट डेटेड है। तो कभी कभी पंडित नेहरू का भी वक्तव्य पूछ लेता है कि पंडित नेहरू ने आपके इसको क्रिप्स मिशन को क्या कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को आपको जरूर ध्यान रखना है, नेहरू को भी आपका कभी कभार पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो 1942 तक की बात हो गई, अब आपकी बात आती है, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, वेबल योजना की। वेबल योजना की अगर बात करें तो अक्टूबर 1943 की बात है, अक्टूबर 1943 की बात है। मैं पूरा एकदम सीरियल से आपको बता रहा हूं कि एक साल के बाद दूसरा क्या हुआ, ताकि आप पूरी अच्छी तरीके से इतिहास और इस पॉलिटी को एक साथ समायोजित करके समझ सकें, ठीक है। अक्टूबर 1943 में अपने यहां लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल भारत का क्या बनता है, वायसराय। और इसको वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है, जो आपका लॉर्ड वेबल होते हैं। लॉर्ड वेबल ने क्या किया भारत में, इन्होंने 4 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसी पर निष्कर्ष के लिए, ये जो वेबल योजना आई थी, इसी पर निष्कर्ष के लिए, इसी पर एक हल के लिए शिमला समझौता हुआ था, जो कि आपका फेल ही हो गया था, ठीक है, जो 25 जून से 14 जुलाई तक आपका चला था, ये विफल रहा था शिमला समझौता। तो शिमला समझौता किस पर बुलाया गया था, वेबल योजना को फलीभूत करने के लिए शिमला समझौता बुलाया गया था, और यह विफल रहा था। अब बात करते हैं, ये तो 1942 तक की बातें हो गई, अब कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, इसकी डेट तक उसने पूछ ली है। तो जब हम बात करते हैं 1945 की, 1945 का यह दौर है जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। 1945 में ब्रिटेन में जो है चुनाव हुए, ब्रिटेन में जब चुनाव होते हैं तो पीएम के तौर पर अब जो है क्लीमेट एटली जो है निर्वाचित होकर आते हैं, पीएम जो है वहां ब्रिटेन में। अब क्या होता है, इन्होंने 24 मार्च 1946 को एक मिशन भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन के तौर पर जाना जाता है, और इस मिशन में 3 सदस्य थे। यह सवाल पूछ लेता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, या कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और इसमें 3 सदस्य आपके कौन कौन से थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आए थे, ठीक है, या व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे जब आए थे, तो ये युद्ध के उस समय मंत्री हुआ करते थे,
ठीक है। दूसरे थे लॉर्ड पैथिग्लारेंस, भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये उस समय ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। ये तीन लोग भारत आते हैं और एवी जो है अलेक्जेंडर साहब हुए, ये नौसेना मंत्री के तौर पर थे। ये तीन सदस्यीय मंडल जिसको हम कैबिनेट मिशन के तौर पर जानते हैं, ये आपका 24 मार्च कब 1946 में भारत आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मिशन ने क्या किया, इसने क्या किया, 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटेन को। और जब इसने रिपोर्ट सौंपी तो रिपोर्ट पर भी परिचर्चा के लिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब कैबिनेट मिशन की जो है रिपोर्ट दी गई, यहां पर इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, रिकमेंडेशन यानी अनुशंसाएं, क्या क्या इसने अनुशंसा की थी। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया जुलाई 1946 में। तो एक सवाल आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर किया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा का विचार कब माना था अंग्रेजों ने, तो क्रिप्स मिशन में माना था, इसको दोनों का ध्यान रखिएगा। दोनों से सवाल आपका इस तरीके से लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। 16 अगस्त 1946 की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को। यह सीधा सीधा पूछा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया, तो यह अगस्त की बातें थी। अगस्त अपने यहां बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, अब ये जुलाई 1946 में अपने यहां संविधान सभा का फॉर्मेशन होता है, चुनाव की तैयारियां शुरू होती हैं, अगस्त में आपका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, संविधान सभा का गठन होता है। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा की। अब अंतरिम सरकार अपने यहां दो बार पुनर्गठित, एक बार क्या होती है, ये तो आपकी 2 सितंबर की बातें थी, फिर बाद में मुस्लिम लीग इसमें शामिल हुआ, पहले तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल ही नहीं हुआ। जब आपके इस सरकार की गठन की गई, इंटरिम गवर्नमेंट की गठन हुआ, तो उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा है लोक सेवा आयोग के द्वारा। ठीक है, कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1946 को जो गठित आपका अंतरिम सरकार रहा, इसमें से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, अब जो है आपका एक यहां से सवाल पूछ लेता, उप सभापति कौन थे, क्योंकि उस समय तो सारी की सारी चीजें आपके गवर्नर जनरल के हाथ में ही थी, वायसराय के हाथ में ही थी। ठीक है, उस समय क्या किया गया, जो उप सभापति थे, विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंधों के मंत्री थे, ये आपके पंडित नेहरू जी थे। सूचना गृह एवं ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, ये आपके वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे। कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संभाल रहे थे। कला एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सफाल अहमद खान थे। वाणिज्य के तौर पर सीएच भाभा थे। रक्षा मंत्री, ये सवाल कई बार पूछा है, बलदेव सिंह जी थे। ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल लोक सेवा आयोग आपका पूछ लेता है ऐसे ही। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग किसके पास था, सी राजगोपालाचारी के पास था। श्रम मंत्रालय किसको मिला था, जगजीवन राम। रेलवे मंत्रालय किसके पास था, तो आसफ अली के पास था। कारखाना खान एवं विद्युत, ये सारे मंत्रालय सरचंद बोस को संभालते थे। तो ये आपका 2 सितंबर 1946 में जो आपका गठित अंतरिम सरकार रही, उसमें ये आपके विभिन्न मंत्रालय और उनको संभालने वाले मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं, तो ये जो सरकार रही, इस सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। जब मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, बाद में मुस्लिम लीग शामिल हुई, तो जब बाद में शामिल होंगे पार्टियों में, आप लोग जानते हैं, जब ये शामिल हुए तो मुस्लिम लीग के भी लोगों को क्या चाहिए था, मंत्री पद देना चाहिए था। तो फिर से जो है इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। अब क्या होता है, आगे चीजों पर ध्यान दीजिए। 26 अक्टूबर 1946 को, किस दिन, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होती है। ठीक है, अब अंतरिम कैबिनेट का पुनर्गठन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः किया गया। ठीक है, अब जब इसका पुनर्गठन किया जाता है, जो पुनर्गठित अंतरिम कैबिनेट रहती है, इसका गठन कब किया गया, तो यह भी सवाल पूछा, ये जो डेट है ना, लोक सेवा आयोग ने यहां से सवाल पूछ लिया है कि जो अंतरिम सरकार रही, इसका पुनर्गठन कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 1946 को किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मंत्रालय और उनसे संबद्ध व्यक्तियों को देखते हैं, तो उप सभापति विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध उन्हीं के पास थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पास। कृषि एवं खाद्य मंत्री आपके राजेंद्र साहब को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर। वाणिज्य मंत्रालय इब्राहिम खान को दिया गया। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास ही रहा था। वित्त मंत्रालय अब लियाकत अली खान के पास आ चुका था। शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी संभाल रहे थे। ठीक है, फेरबदल हुआ था। गृह सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग जो मंत्रालय था, यह पटेल जी के पास ही था।
श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के पास रहा, रेलवे संचार डाक एवं वायु परिवहन कारखाना खानी एवं विद्युत ये अब्दुल खान निस्तार के पास आ गया। मतलब मुस्लिम लीग के पांच लोगों को, पांच मंत्रियों को, इसमें पांच उसके सदस्य थे जिसको जो पुनर्गठित अंतरिम सरकार रही इसमें शामिल किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, पांच लोगों को मंत्री पद दिया गया था। अब इसके बाद सरकार का गठन हो चुका, संविधान सभा का निर्माण जो है, चुनाव हुआ। अब चुनाव से भी विभिन्न सवाल आपसे पूछा करते हैं, तो अब हम संविधान सभा की ओर बढ़ रहे हैं। संविधान सभा के बारे में तमाम चीजों के बारे में डिस्कस शुरुआत करते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है, संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने अपनी वर्किंग शुरुआत की। तो हमने सीखा क्या, हमने ये देखा कि जब फ्रांस ने अपनी जो है संविधान सभा बनाई, तो फ्रांस में कोई भी भाई सभा बनती है तो सभा की पहली दूसरी तीसरी मीटिंग तय होती है कि भैया इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन उपाध्यक्ष बनेगा, ठीक है। ऐसे ही भारतीय संविधान सभा जब आपकी बनती है तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। पहली बैठक में वायसराय ने सभी सदस्यों को न्योता भेजा, जैसे आज राष्ट्रपति क्या करते हैं, सभी को समन जारी करते हैं, ऐसे पहली बैठक में भी वायसराय ने भेजा, सभी को बुलाया सदस्यों को, ठीक है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिसंबर 1946, ठीक है, इसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां पर, नई दिल्ली में, जो आपका काउंसिल चैम्बर है, ठीक है, इसका पुस्तकालय भवन था उसी में हुई थी। सभा के सबसे वरिष्ठ जो है बुजुर्ग सदस्य, हमने ये देखा कि भैया अध्यक्ष किसको बनाया जाए, बिना अध्यक्ष के तो कोई सभा चलेगी नहीं। तो हमने ये देखा कि फ्रांस ने जब अपनी मीटिंग बुलाई थी तो उसमें उस समय उसने क्या किया था कि वो सभा का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य था उसी को आज जो है अध्यक्ष बना दिया था। तो हमने भी अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर उस दिन सबसे पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना, ठीक है। तो यह सवाल पूछता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, लोक सेवा आयोग ने आपसे पूछ रखा है। उसके बाद अगर इसमें बात करें तो हैदराबाद, चूंकि इस समय अभी आगे मैं सीटों के बारे में पर चर्चा करूंगा, संविधान सभा की सीटें कितनी थी, कहां पर कौन जीत कर आया, कितनी कितनी सीटें किसको दी गई थी, तो चूंकि उस समय हमारे ऊपर एक तो औपनिवेशिक हम राज्य थे, औपनिवेशिक शासन हम पर था, उस समय हमारे यहां देशी रियासतें भी थी, देशी रियासतों पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था, लेकिन देशी रियासतें तो थी, उनके तो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, और प्रांतों में जो ब्रिटिश प्रांत होते थे वहां पर उनके कमिश्नर होते थे, अंग्रेजों के आयुक्त होते थे, जैसे कमिश्नर होते थे, ठीक है। तो कमिश्नरी स्टेट के लिए भी सीटें रिजर्व की गई थी, सभी को बाकायदा इस जो है संविधान सभा में हर जगह से क्या होना चाहिए, हर क्षेत्र से उनके रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए, तो इसके लिए सीटों का आवंटन किया गया, उस आधार पर उनका चुनाव कराया गया। तो यहां से जब हम बात करते हैं, हैदराबाद की एक देशी रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित ही नहीं हुए थे, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। सोचिए आज भी यही अपने यहां चलता है, और तब भी हमने जनसंख्या के अनुपात में कि अच्छा 10 लाख की जनसंख्या पर एक आपका रिप्रेजेंटेटिव उसका होना चाहिए, इस अनुसार उस समय भी भारत देश की क्या किया गया था, जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा के सीटों का निर्माण किया गया था। अब इसमें कुछ प्रमुख चीजों पर बात करते हैं। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि, कितने 296 प्रतिनिधि कहां के थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, ठीक है, और इनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 213 सामान्य सीटें उस समय थी, 79 मुसलमान सीटें थी मुस्लिमों के लिए आरक्षित, 4 पर सिखों को जो है स्थान दिया गया था। तो 296 जो ये आपकी सीटें थी, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूं, ऐसा ना हो आपकी कुल सीटें आप सोच लें, 296 जो सीटें थी, अगर इन 296 सीटों में अगर बात किया जाए तो इसमें से ध्यान दीजिएगा 292 सीटें आपकी जो थी और प्लस 4 सीटें, 292 सीटें, 4 सीटें जो ब्रिटिश के उस समय आयुक्त होते थे, ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश के आयुक्त थे, ब्रिटिश आयुक्तों के प्रांतों के लिए ये 4 सीटें रिजर्व थी, बाकी 292 जो सीटें थी, ठीक है, ये 292 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी। तो चूंकि ब्रिटिश भारत ये भी था और ये भी था तो दोनों को मिलाकर 296 सीटें करते हैं, ठीक है। तो 296 सीटों में अगर सांप्रदायिक रूप से पूछा जाए, ठीक है, किसको कितना दिया गया, तो 213 सीटें सामान्य वर्ग को मिली थी, 79 में उस समय मुस्लिमों को दिया गया था और 4 सिखों को दिया गया था, इन सभी का जो आपका योग होता है ये 296 बनता है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी, यह लोक सेवा आयोग सवाल आपसे पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें अगर बात किया जाए,
इसमें संविधान सभा में कुल मिलाकर, तो कुल मिलाकर इसमें 15 महिला सदस्य थी। यह भी सवाल आपसे पूछा है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये तो लेकिन पहली बैठक के दिन अगर देखा जाए तो पहली बैठक में तो आपकी यहां पर जो 9 आपकी महिलाएं जिक्र है, ये पहली बैठक को है, ठीक है। जैसे उपापो की स्थिति आपके अंदर ना बने, तो अगर आपसे कुल पूछता है कि कुल जो आपकी संविधान सभा थी, मतलब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, इसमें महिलाओं की कितनी संख्या थी, लोक सेवा आयोग ने पूछा है, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में, ठीक है। आगे मैं आपसे परिचर्चा में उन 15 महिलाओं के नाम भी बताऊंगा। दूसरी बैठक की बात करते हैं, तो पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर की बात थी, 9 दिसंबर 1946 की। अब दूसरी बैठक की बात करते हैं, 11 दिसंबर को हुई, इसकी संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। इसको याद रखिएगा, 9 + 2 = 11 और + 13। ये बैठकें पूछ लेता कि कौन सी बैठक कब हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 2 जोड़ दो 11 दिसंबर, तीसरी में 2 जोड़ दो 13 दिसंबर। 3 बैठकें हुई हैं, उसके बाद कार्यवाही इसकी प्रारंभ होती है। तो दूसरी बैठक आपकी होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो यह आपसे सवाल पूछता है कि दूसरी बैठक में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक में नियुक्त किया गया था। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दो उसी दिन इसमें 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। जो दूसरी आपकी बैठक होती है, इसी दिन संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कौन कौन? एक आपके हैं डॉक्टर एचसी मुखर्जी और दूसरे हैं बीटी कृष्णामाचारी। ये 2 आपके उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 उपाध्यक्ष भी बने थे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, अब तीसरी बैठक जो होती है, इसी में दूसरी बैठक की अगर बात करें, तो एक आपके संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्ति हुई थी, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति हुई थी, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले बना के तैयार किया, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने बनाया था, संविधान का निर्माण किसने किया था, तो वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे आपके, जिनका नाम है वीएन राव, ठीक है, डॉक्टर वीएन राव नाम है। ये आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। इन्होंने ही सबसे पहले एक संविधान का निर्माण करके संविधान सभा के समक्ष रखा था, और उस संविधान पर परिचर्चा के लिए फिर डॉक्टर बी आर अंबेडकर और 7 लोगों, जो 6 अन्य लोगों की टीम बनाई गई, 7 लोगों की एक टीम बनाई गई, जिसका नाम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पांडुलेखन समिति के तौर पर जानते हैं। तो उसी जो बीएन राव ने संविधान आपका पहली बार बनाया, उस संविधान में काट छाट के लिए एक आपके ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया था, ठीक है, समझ गए। तो दूसरी बैठक में आपका क्या होता है, एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, 2 आपके उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है, एक आपके संवैधानिक सलाहकार जिनका नाम है बीएन राव, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि आपकी 13 दिसंबर को होती है। 13 दिसंबर के दिन क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आए पंडित नेहरू, ठीक है, ये सवाल पूछता है। और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रहा, जैसे एक सभा बनाओगे आप, तो सभा किस लिए बन गई, किसके लिए बनाई गई है, ये तो लाना चाहिए, उद्देश्य क्या है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला गया, और यही बाद में क्या होता है, हमारी प्रस्तावना के तौर पर हमें दिखाई देता है। तो आपसे यह भी सवाल पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने कब संविधान सभा में पेश किया, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव, जैसे आज अब आपके दिमाग में उठना चाहिए कि प्रस्तावना तो सर आज एक लाइन में समाप्त तो होती है, एक ही लाइन में तो पूरा समाप्त है ना। पंडित नेहरू लेकर आए थे तब वो समय कई इसमें बिंदु, 13 बिंदुओं के अंतर्गत पूरा पॉइंट वाइज लिखा था कि संविधान सभा का उद्देश्य ये, हम ये करेंगे, हम देश के लिए ये करेंगे, एक पूरा का पूरा इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रहा, उद्देश्य प्रस्ताव रहा, यह पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो ये अंगीकृत होता है 22 जनवरी 1947 को, इस तिथि को याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृत के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हित अनेक समितियों की भी उस समय नियुक्ति की थी। तो ये तमाम चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया जो संविधान सभा को लेकर के थी। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रमुख चीजों पर और चर्चा करते हैं, ठीक है। अब समझिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं और उन चीजों की एक एक चीजों के बारे में परिचर्चा हम पुनः प्रारंभ करते हैं।
थोड़ा सा जल पी लूं, उसके बाद में चलिए अब हम बात करें। अगर मुस्लिम लीग जब आपकी प्रथम बैठक में सम्मिलित नहीं हुई, तो जब प्रथम बैठक में यह सम्मिलित नहीं होती है तो क्या किया, उस समय ब्रिटेन के पीएम एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की 30 जून 1948 से पूर्व जो सत्ता है भारतीयों की, यह भारतीयों को सौंप दी जाएगी। नहीं तो इससे पहले तो आप जो है 1928 के बयान को देखिए अंग्रेजों के, तो अंग्रेजों का ही एक बयान आता है कि भारत को तलवारों के बल पर विजित किया गया है और इसको तलवारों के बल पर ही इस पर शासन किया जाएगा, इन्हीं अंग्रेजों का रोल रहा है। लेकिन उस समय जब प्रथम बैठक हुई तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, यह भी सवाल पूछता है, ठीक है। तो उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, इन्होंने घोषणा की, यह घोषणा 20 फरवरी 1947 की है कि 30 जून 1948 से पूर्व सत्ता जो है भारतीयों को सौंप दी जाएगी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होती है। 3 जून को माउंटबेटन योजना आती है, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली में बैठक होती है। एक सवाल यहां से पूछता है कि जो भारत जो है विभाजन का प्रस्ताव रहा, कांग्रेस की बैठक में किसने पेश किया था, एक सवाल यहां से लोक सेवा आयोग पूछता है। तो सरदार गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव पेश किया तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया था। 4 जुलाई 1947 को यह बिल ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत होता है और 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो जाता है भारत विभाजन को लेकर के, ठीक है, अभी जुलाई में ही है। उसके बाद 14 अगस्त 1947 की बात है जब मध्य रात्रि को भारत का विभाजन किया जाता है। ये तमाम चीजें आपकी ऐसी रही जो अभी तक हम लगातार भारत विभाजन तक इनकी परिचर्चा कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत का हमने विभाजन कर लिया। विभाजन के बाद उस समय अगर देखा जाए तो भारत में 600 देशी रियासतें मिलती हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग उल्लेख मिलता है, लेकिन जो मानक पुस्तकें हैं उसमें 600 देशी रियासतों का उल्लेख मिलता है। 600 देशी रियासतें जो हमारी पास थी, ठीक है, उनमें से, ठीक है, उस दौरान 48 देशी रियासतें पाकिस्तान में चली गई और 552 देशी रियासतें भारत में बसती हैं, ठीक है। विभाजन से पूर्व संविधान सभा में 389 सीटें थी। विभाजन से पूर्व जो संविधान सभा थी उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, 389 सीटें थी। विभाजन के बाद में 299 सीटें बची, क्योंकि क्षेत्र उधर गए, जनसंख्या उधर गई, तो उनमें से सीटों की संख्या में कमी होती है। 299 सीटें ब्रिटिश प्रांत में पहले थी, अब जो है ये 200 जो आपकी 99 सीटें हैं, मतलब पूरा का पूरा विभाजन के बाद बची। पहले क्या होता था, ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटें थी, मैंने आपको इससे ऊपर जब चर्चा की वहां बताया। अब क्या हुआ, 296 की जगह पर ब्रिटिश प्रांत के लिए 229 सीटें बची। इसको ध्यान रखिएगा, यह सवाल पूछ चुका है लोक सेवा आयोग कि विभाजन के बाद ब्रिटिश प्रांत की सीटें कितनी रह गई घटकर, तो 229 रह गई। पहले यह 296 हुआ करती थी, ठीक है, 296 हुआ करती थी। देसी रियासतें जब आपकी टोटल 389 सीटें थी, तो 389 सीटों में अगर जब ये विभाजन से पूर्व हम लोग बात करें, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 292 सीटें किसके लिए थी, 292 सीटें इसमें उस समय ब्रिटिश भारत के जो 11 प्रांत एक तरीके से उनके लिए थी, प्लस 4 इसमें सीटें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश के प्रांत के आयुक्त तो होते थे, कमिश्नर जहां थे उनके लिए, मतलब 296 सीटें ये ब्रिटिश भारत के लिए थी। और बाकी जो आपकी सीटें थी, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम परिचर्चा कर रहे हैं, 93 सीटें उस समय देसी रियासतों के लिए रखी गई थी। यदि आपका क्या है, ये विभाजन से पूर्व की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, 93 सीटें देसी रियासतों के लिए रखी गई थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी सवाल पूछ लेता, देसी रियासतें की सीटें भर ही नहीं पाई थी उस दौरान भी जब हुआ था, तो देसी भैया जाहिर सी बात है सब नवाब हैं। अब इसमें कहा गया था कि देसी रियासतों इन पर तो इलेक्शन होना था 296 सीटों पर, लेकिन जो ये आपकी 93 सीटें थी, 93 सीटों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर भरना था कि भैया आप जो है 600 देसी रियासतें 93 आपको दिए हैं, 93 सीटें, तो 10-11 करके आप लोग आपस में एक गुट बना लीजिए कि अच्छा हमारे 11 लोगों का नेता ये है, ये हमारी तरफ से जा रहा, ये जो एक्सेप्ट करेंगे वो हम एक्सेप्ट है। तो सब नवाब, नवाब कौन किसकी बात मानेगा, ये सीटें देसी रियासतों की सीटें भर ही नहीं पाई थी। जो 389 सीटें थी जब आपका चुनाव हुआ, जो 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ, 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई, इनमें ये सीटें भरी नहीं गई। कोई राजा किसी के अंडर में थोड़ी आएगा, सब राजशाही थे।
अब क्या होता है, जब विभाजन हुआ तो 93 सीटों की जगह अब 70 सीटें बसती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को कौन कौन से प्रांत दिए गए थे उस समय, पाकिस्तान को दिया गया पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, बाद में इसको संभाला गया, सिंध दिया गया था, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश दिया गया था, और असम का सिलहर जिला दिया गया था, आज सिलचर आईआईटी मिलती है, सिलहर को सिलचर के तौर पर जानते हैं। तो ये सब बाद में हम लोगों ने एडजस्ट किया है, लेकिन शुरू में तो ये प्रांत हमने दे ही दिए थे, ठीक है, विभाजन में। ये कांग्रेस उस समय जो है मतलब पाकिस्तान को दिए गए प्रांत थे। 52 देशी रियासतें पाकिस्तान में गई थी। संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं, आप सारे लोग जानते हैं, वर्किंग में जब बात करते हैं। इसके लिए कुल अधिवेशनों की संख्या 11 थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। तो एक सवाल आपसे यह भी पूछता है कि संविधान को अंगीकृत, अंग्रेजी में शब्द यूज होता है एडॉप्ट, ठीक है, एडॉप्टेशन कब हुआ संविधान का, तो 26 नवंबर 1949 को ही होता है, ध्यान रखिएगा। संविधान लागू कब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से तो आपका 26 जनवरी की बातें करते हैं, लेकिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन जिसको अंगीकृत किया गया उसी दिन से हमारे यहां 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। पूर्ण रूप से संविधान आपका 26 जनवरी को लागू हुआ, लेकिन जिस दिन से संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया उसी दिन से 26 नवंबर 1949 से ही क्या होता है, 26 नवंबर 1949 से ही 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संविधान सभा चूंकि जब अब 1947 में विभाजन हो गया, भारतीयों को सत्ता सौंप दी गई, तो जब अब संविधान सभा दो तरीके से कार्य करती थी, एक तो यह संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरी चीजें एज अ पार्लियामेंट विधायिका लेजिस्लेटिव भी ये काम करती थी। तो जब जो है संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के तौर पर होती तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब इसकी बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे, तब इसके स्पीकर होते थे, और वो स्पीकर कौन होते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर जिसको आप कहते हैं। तो एक सवाल यहां से पूछता है, ठीक है, स्पीकर कौन थे पहले स्पीकर, तो जीबी मावलंकर थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो संविधान सभा दो दो काम कर रही थी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। अब संविधान सभा की 3 बैठकों के बाद यह डिसाइड हुआ कि संविधान सभा किसको लेकर के काम करेगी। उसने जब काम करने की बारी आई तो आज भी संसद भारत देश में आप देखिएगा तो समितियों का रोल आज के इतिहास में बहुत बड़ा रोल है। हमें भले ही संसद के सदन में सारी पार्टियां आपस में लड़ती दिखाई दें, लेकिन अगर आप समितियों पर नजर डालेंगे तो भारत देश जिस आधार पर चल रहा है उसमें समितियों का रोल बहुत बड़ा है। हर एक समिति जो है, जो आपका सदस्य है उसको समिति में रोल मिलता है, वो समिति में बहुत अच्छा काम करता है हर एक सदस्य, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का। और समितियां एक तरीके से हमारी रीढ़ बना के रखी हैं, बहुत ज्यादा वर्किंग करती है, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बात करते हैं उस समय जब संविधान सभा बनी तो उस समय भी समितियों का क्या किया गया, समितियों का निर्माण किया गया। अब समिति का निर्माण, दो तरीके की समितियां उस समय बनाई गई थी भारतीय संविधान में, दो तरीके की समितियां बनाई गई थी। एक बनाया गया कि प्रक्रिया संबंधित कार्य देखेगी, ठीक है, कि मतलब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया बनाएगी एक समिति, और दूसरी जो तरीके की बनाई गई वो बनाई गई विषय संबंधी कार्य देने के लिए, जैसे संविधान निर्माण करने वाली समितियां, झंडा समिति, संघीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, ये सब समितियां जो रही ये विषय संबंधी कार्य इनको सौंपे गए। और पहली जो रही जिसमें आपकी प्रक्रिया समिति आती है, अधिकार समिति परिचालन आती है, ठीक है, सभा समिति आती है, तो पहली प्रक्रिया समिति की क्या प्रोसीजर हम लोग प्रयोग करेंगे, संविधान सभा का जो है प्रोसीजर क्या होगा। और दूसरे रही कि जो हमारे विषय है भारतीय संविधान में जिन जिन विषयों को रखना है उन विषय के निर्माण की जिम्मेदारी दूसरी समिति को दी गई। तो संविधान सभा ने दो तरीके की समिति बनाई थी, एक विषय को लेकर के और एक संविधान के आपकी प्रक्रिया को लेकर बनाई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक सलाहकार जो आपके बनाए गए थे बीएन राव, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 21 फरवरी 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। और जब आपका संविधान पहला संविधान बना था बीएन राव के द्वारा, उस समय इसमें कुल अनुच्छेद 243 थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं वर्तमान की, आपके दिमाग में चले आ रहे सर जी ये बता रहे, जब बीएन राव आपने तैयार किया संविधान का पहला प्रारूप, ठीक है, तो वो समय कुल अनुच्छेद 243 थे और इन्होंने 13 अनुसूचियां रखी थी, 13 अनुसूचियां, जबकि संविधान जब लागू हुआ तब 8 अनुसूचियां आती,
ठीक है, बाद में आज हम 12 अनुसूचियों तक पहुंच चुके, लेकिन बी एन राव ने जो 21 फरवरी 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट पेश किया उसमें 13 अनुसूचियां और 243 अनुच्छेद होते थे। ठीक है, अब क्या किया गया, ये जो पहला प्रारूप आया इस पर विचार करने के लिए डॉक्टर वी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। ध्यान रखिएगा, इसका गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को होता है और इसमें जो सदस्य थे पूछ लेता है लोक सेवा आयोग, अधिकतर पूछा है कि निम्न में से कौन जो है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो इसमें कौन कौन थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर साहब इसमें शामिल थे, डॉक्टर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे इसमें, ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी इसमें थे, एन माधव राव थे, ठीक है, बीएल मित्र के स्थान पर इनको बनाया गया था, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, डीपी खेतान थे, 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य इनकी जगह पर बनाया जाता है। ठीक है, और बीएल मित्र इसमें रहते हैं उनकी जगह पर एन माधव राव को बनाया जाता है। ये सबके सब जो आपको 7 लोगों के नाम मिलते हैं, ये कोई आपका किसी प्रांत का मुख्यमंत्री था, कोई मुख्यमंत्री का सलाहकार था, ये ऐसे ऐसे नाम इसमें लिखे हैं। डॉक्टर आपके अंबेडकर साहब ये बहुत बड़े विधिवेत्ता थे, तो इनमें जिन लोगों को शामिल किया गया, कोई बहुत मशहूर वकील था इसमें से, दो तो आपको ये मणिकलाल मुंशीलाल वकील ही थे, बहुत बड़े वकील थे, कोई रियासत के क्या राजा के सलाहकार थे, मुंशी थे, इसमें जितने भी नाम उल्लेख हैं ये सारे के सारे लोग विधि क्षेत्र में ही काम कर रहे थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में, इसने क्या किया, इसने जो मूल संविधान था इसके पाठ पर विचार करके उसे 26 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष रखा, जिसमें कुल 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसको तैयार किया, जो पहला संविधान बी एन राव के द्वारा पेश किया गया उसको काटा छाटा, और उसको जब इन्होंने पहली बार पेश किया तो उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां रह गई, पुनः इसमें सुधार कर 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है। अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया, 4 अक्टूबर 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन चलता है, जब भैया सारे प्रारूप पेश बन गए इसके, और यह कहा गया यह क्या है, फाइनल डिसीजन है, बोला गया कि यह संविधान फाइनल है। तो अब जब फाइनल है तो जितने सदस्य हैं, आप कोई मसौदा तैयार करोगे तो सारे सदस्यों को पढ़कर सुनाओगे, इसमें यह लिखा गया है, किसी सदस्य को आपत्ति है बोलेगा, तो इसीलिए अब संविधान पर वाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, अब संविधान पर क्या प्रारंभ होता है, वाचन प्रारंभ होता है, मतलब संविधान को पढ़ा जाना शुरू होता है, जिस सदस्य को आपत्ति है वो सदस्य उस पर बोलेगा, उसको सभी को समझाया जाएगा, तो संविधान सभा का पहला वाचन शुरू होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक पहला वाचन चला। संविधान पर दूसरा वाचन चलता है 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, ये 1948 में प्रारंभ होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, बहुत लंबा गया था ये। ठीक है, उसके बाद संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला, मतलब ये 12 ही दिन का रहा, लेकिन दूसरा वाचन सबसे बड़ा रहा है, 1 साल तक लगभग दूसरा वाचन इसका चलता है। संविधान सभा, ये जो तीसरा वाचन रहा 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, और इस समय संविधान में कितने सदस्य थे यह सवाल पूछा है लोक सेवा आयोग, तो 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। कितने सदस्य थे, 26 नवंबर की बात है, 284 सदस्य आपके उस दिन संविधान सभा में उपस्थित थे, यह लोक सेवा आयोग यहां से सवाल पूछ चुका है। अब 26 नवंबर 1949 को चूंकि संविधान हमारा अंगीकृत हुआ, तो इसीलिए एक सवाल आपसे पूछता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, इसी दिन आपके 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे और इसी दिवस को हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, यह सवाल आपका लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो 16 अनुच्छेद, कौन कौन से, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब नागरिकता के संबंधी अनुच्छेद, 60, 324, 366, 367, 389, 80, 88, 91, 92,
93 और 94, ये 16 अनुच्छेद होते हैं जो आपके उस दिन लागू हो गए थे, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को होती है, और इसी दिन सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया संविधान पर, ठीक है, तथा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया, और संविधान सभा को भंग करके इसको अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह आपकी संविधान सभा की वर्किंग रही और तमाम प्रक्रिया रही जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। उसके बाद संविधान पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, पूर्ण रूप से आपसे पूछता है, और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन हमने संविधान को अंगीकृत किया उस दिन हम क्या मनाते हैं? उस दिन हम उसको संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं, और पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हुआ तो हम उसको गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी, उन्होंने अपना अलग संविधान बनाया था। अब हम बात करते हैं संविधान सभा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, क्या क्या संविधान सभा ने और किया था। ध्यान दीजिए, संविधान सभा द्वारा जो उस समय मुहर के तौर पर हम प्रयोग करते थे, वो मुहर के प्रतीक के तौर पर हाथी का प्रयोग किया गया था, हाथी का प्रतीक, ठीक है, जो मुहर लगती थी वो हाथी का प्रतीक था। दूसरी चीज, एच बी आर आयंगर को सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, एल एन मुखर्जी को ये आपके चीफ ड्राफ्ट जो है ड्राफ्टमैन थे, मुख्य प्रारूपकार इनको चुना गया था संविधान सभा में। कुछ और चीजें हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे, ये सवाल लोक सेवा आयोग पूछ चुका है कि संविधान को इन्होंने अपने हाथों से लिखा था भैया, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था, और संविधान मूलतः इटालिक शैली में लिखा गया था। संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के दो कलाकार नंदलाल बोस और बिहुर राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों ने पूरा का पूरा आप संविधान की ओरिजिनल को जो प्रति है जो हीलियम में सुरक्षित रखी गई है उसमें आप ऊपर देखिए पूरा बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया, सजाया गया है पूरे संविधान को। संविधान का हिंदी संस्करण किसने? बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, ठीक है, और इसको सजाने का काम किया नंदलाल बोस ने, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह संविधान सभा से जुड़े आपके अन्य जो है जानकारियां रही। संविधान सभा ने और कौन कौन सा काम किया था, क्योंकि यहां से सवाल अभी पिछली बार का लोक सेवा आयोग का आप जब विगत वर्ष का प्रश्न पत्र उठाओगे तो वहां से इसमें आपसे सवाल पूछा है, ध्यान दीजिए। संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप जो है स्वीकृत किया गया, और पिंगली वेंकैया नायडू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आपका वर्तमान में जो दिखाई देता है ये तैयार किया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ये सवाल नॉर्मल से दिखते हैं लेकिन इनको लेकर के लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। सबसे ऊपरी जो पट्टी केसरिया रंग है ये किसका साहस का प्रदर्शन करती है, बीच में सफेद पट्टी है ये शांति और सच्चाई का प्रतीक है, सबसे नीचे जो गहरी हरी पट्टी है उर्वरता और समृद्धि की है। ध्वज के बीच में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और यह न्याय का प्रतीक है, ठीक है, इसे सारनाथ में बने अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया। जो आपका ध्वज के बीच में नीला चक्र है ये कहां से लिया गया? अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया जो कि आपके सारनाथ में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत का जो राजचिन्ह है ये सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की क्या है? अनुकृत है, उसी की हमने क्या किया? कॉपी कर लिया है, और भारत सरकार के द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। राज चिन्ह पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, और ये जो सत्यमेव जयते है ये वाक्य कहां से लिया गया? लोक सेवा आयोग ने यहां से सवाल पूछा है कि सत्यमेव जयते जो कि भारतीय राज चिन्ह पर लिखा है इसको कहां से लिया गया? तो हमारे यहां जो मुंडक उपनिषद है वहां से हमने इसको लिया है, मुंडको उपनिषद से। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगणमन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ध्यान रखिएगा उस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, किसको? जनगण मन को। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया, जो जनगण मन है आपका यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित है गीतांजलि वहां से इसको लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया, और ये जो राष्ट्रीय गीत हमारा है ये बंकिम चंद चटर्जी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है आनंदमठ, वहां से इसको लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपका पूछ चुका है लोक सेवा आयोग।
और इसे 1896 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गीत को, ठीक है। और 22 मार्च 1957 को सख संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को भी भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया। सामान्यता चैत्र मास की अपने यहां शुरुआत 22 मार्च को मानते हैं, सारे लोग ध्यान रखते हैं, जबकि लीप वर्ष में 21 मार्च को होती है। सख संवत को ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ हम लोगों ने अपनाया है, और संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय पुष्प को अपनाया जो कि कमल है, अंग्रेजी में इसको हम क्या बोलते हैं, लाम्बो निशिफेराने। भारत का राष्ट्रीय फल इसी के द्वारा अपनाया गया, आम मैग्निफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष इसी के द्वारा अपनाया गया, बरगद, जो आपका फिकस बेंगालेसिस कहलाता है, ये आपके वैज्ञानिक नाम है, पहले लोक सेवा आयोग इनको पूछता था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसको वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा गंगा डॉल्फिन है जिसको प्लैंटीना गैंगेरिका बोलते हैं। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टेटस नाम देते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये सारे काम आपके संविधान सभा के द्वारा किए गए थे। और 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया, और 15 अगस्त 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें रही जो आपको संविधान सभा से जुड़ी रही। उम्मीद है यह पूरा व्याख्यान आपको बहुत विधिवत समझ में आया होगा। अब आप लोग, ठीक है, हिस्ट्री के भी आपको व्याख्यान मिल गए, पॉलिटी में भी मिल गए, ये सीरीज आपकी यहीं से आगे कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ये डेमो लेक्चर के तौर पर मैंने आपको उपलब्ध कराया, और प्रयास किया कि आप पहली बार इन चीजों को देख रहे हैं तो इतिहास के साथ मैंने सामंजस्य बनाकर पढ़ाया। मैं आपको आगे ऐसे ही सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा, जो तथ्य जहां से मिलेंगे उन सारी चीजों की वहां से परिचर्चा करता रहूंगा। तो सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेटफॉर्म पर आप सारे लोग अच्छे से जुड़िए, एक अच्छी टीम के साथ, एक जो है मार्गदर्शन में, जहां से आपकी सफलता हम आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कराते हैं कि बहुत ज्यादा करीब ला देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।